हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है द सेंटर्स ऑफ द सर्कल सी वन एंड सी टू ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर। लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सी वन एंड सी टू एंड सी विद द सर्कल टचिंग द सर्कल सी वन एंड सी टू एक्सटर्नली। इफ कॉमन टेंजेंट्स टू सी वन एंड सी पासिंग थ्रू पी इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू सी टू एंड सी देन द रेडियस ऑफ सर्कल सी। ठीक है, तो बेसिकली जो सी सर्कल है उसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, और देखा रखा है सी वन सी टू एक यूनिट रेडियस के एक सर्कल है जिनके बीच के डिस्टेंस 6 यूनिट है। ठीक है, तो ये दे रखा है हमको। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक हमको थ्योरम पता होनी चाहिए। क्या आती है टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली ये एक थ्योरम होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक सर्कल सी वन दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो एक सपोज सर्कल हमारे पास सी वन है, ये सी वन सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर है, और एक आपके पास सी टू सर्किल है, ये सी टू सर्किल दे रखा है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, 6 यूनिट दे रखी है, और एक पी मिड पॉइंट है। पी क्या है, मिड पॉइंट है। अब एक बड़ा सर्किल बनाया है, एक सर्किल सी बनाया जो दोनों को टच करते हुए जा रहा है। सपोज ये सर्किल ऐसे बनाया, ठीक है, जो दोनों को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, इसका सेंटर ये हो गया। अब एक टैंजेंट ड्रॉ हो रही है, सपोज एक तीनों में जो तीनों सर्कल्स में कॉमन टैंजेंट होगी ना। देखो क्वेश्चन में क्या कहते रखा है, द पी विद द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर सी वन एंड टू बी टचिंग सर्कल सी वन एंड सी टू एक्सटर्नल। इफ द कॉमन टैंजेंट टू सी वन सी पासिंग थ्रू पी ऑल्सो कॉमन टू सी टू एंड सी, है ना, दो तीनों में देखो कॉमन है। तो सपोज ये कुछ इस तरह से यहां से पास करके ये कॉमन टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये आपकी कॉमन टेंजेंट होगी। कहाँ से जा रही है, यहाँ से। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 3 होगी। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। यहां से लेके यहां तक ये देखो यूनिट है तो 1 होगा। ऑलराइट, इसको जब आप पूरा ड्रॉ करोगे, इसको आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। देखो फिगर जब हमारे पास बन जाता है ना तो चीजें हमारे पास और क्लियर हो जाती हैं। तो हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसकी हमने आर सपोज ले ली, ठीक है, और ये पी को हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इस पूरी डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, एल्फा ले लिया। ठीक, इसको हमने क्या ले लिया, एल्फा ले लिया। अच्छा, जब इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ये, तो ये 90 डिग्री होगा, ये वाली थ्योरम लगेगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है। इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट होगी, है ना। हम इसकी नेमिंग कर लें ए बी, है ना, ए बी हो गया, ए पी है। तो सबसे पहले हमने देखा इन ट्राइंगल पी ए बी, ठीक है, पी ए बी में देखा बेटा। देखो जब पी ए बी देखोगे, ये वाला ट्राइंगल, हम बात ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, पी ए बी, ठीक है। तो इसमें जो आपका हाइपोटेन्यूस है, इसमें आपका हाइपोटेन्यूस हमने इसको क्या ले रखा था, अल्फा ले रखा था। तो इसमें जो बेटा आपका हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है बेटा, आर प्लस 1 वैल्यू है का होल स्क्वायर। देखो यहां से लेके यहां तक तो ये आर है, और फिर यहां से लेके यहां तक के 1 है। तो आर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ जाएगी आर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 मान। अब देखो बेटा, अगर यहां से लेके यहां तक कि ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ये भी क्या होगा, आर होगा, और ये बेटा यहां से यहां तक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस ये पॉइंट को हमने ओ मान लिया, इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा ओ है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमने डी लेट कर लिया। तो अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें इन ट्राइंगल डी ओ पी में, डी ओ पी, तो डी ओ पी में क्यों कर रहे हैं, तो देखिए अभी समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल डी ओ पी है ना, डी ओ पी, अगर आप हाइपोटेन्यूज देखोगे तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, 3 है, हाइपोटेन्यूस इज 3, क्योंकि ये देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये 3 है, और
और ये 1 है, और ये क्या है बेटा 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री क्योंकि टेंजेंट जो है वो सर्कल से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल डी ओ पी, तो यहां से आ जाएगा बेटा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है ना, और प्लस, और ये आपका बेटा क्या है ओपी, ओपी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, यहां से क्या हम लिख सकते हैं ओपी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 1 8, तो 2√2 आ जाएगी ओपी की वैल्यू, ठीक है। ओपी की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 2√2, तो ये वाली जो, ये जो ओ है और ये पी वैल्यू थी ये आ गई 2√2। अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, अब इन ट्राइंगल पी ओ ए मतलब पी ओ ए इसमें हम देखेंगे, तो देखो ये तो आर है और ये क्या है बेटा अल्फा है, ठीक है, और ये वैल्यू हमने निकाली, तो पी ओ ए में देखो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इन ट्राइंगल पी ओ ए, देखो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा आर स्क्वायर प्लस 8 आ गई, ठीक है। यही तो हमको निकालना था भाई अल्फा स्क्वायर, जो क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखो हमको बेसिकली क्या निकालना था, रेडियस निकालना था, ये आर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब जो अल्फा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने आर के टर्म में निकाल लिया, तो अब हम यहाँ से आर आराम से निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, जब आप पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2R+1, तो हमने इसको खोल दिया, आर प्लस 1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, और ये अल्फा स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस 8 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 8 आ गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो बेटा आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, और ये प्लस 9 था, तो यहां से देखो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 2R=16 हो जाएगा, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मिनट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सर्कल का रेडियस था, ये जो रेडियस था आपके पास, ये रेडियस था ये कितना आ गया 8 आ गया, ये रेडियस आपने कितना फाइंड कर लिया 8, इट मींस जो आपका आंसर है वो 8 है, और जो सर्कल का रेडियस पूछा गया था 8 इज योर करेक्ट आंसर।